दुर्योधन ये जानता था कि कृष्ण ने एक बात कह दी है कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो भी उसको ऐसा लग रहा है कि अगर कृष्ण के पास शक्ति है भी तो भी वो युद्ध तो शस्त्र तो उठाने वाला नहीं, युद्ध तो करने वाला नहीं, तो उसकी कहीं पर नाम ही नहीं बताया। इतने सारे योद्धाओं का नाम बता, कृष्ण को कहीं पर मेंशन ही नहीं किया कि कृष्ण भी है उस टीम में। लेकिन ये दुर्योधन ये भूल गया था कि कृष्ण का होना ही काफी है। वो युद्ध करे या ना करे, वो शस्त्र उठाए ना उठाए, लेकिन जिस साइड पर कृष्ण है तो विजयी तो उसी साइड पे हो गई। तो ये भगवद्गीता का पहला लेसन है कि जो जो अहंकारी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनको कृष्ण की सत्ता के विषय में पता नहीं है, कृष्ण की शक्ति के विषय में पता नहीं है। भले कृष्ण साइलेंट है आज, भले आपको आपको कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि नाम के रूप में मिले हैं, लेकिन जिसके पास कृष्ण का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बस नाम ही काफी है। जिनके पास कृष्ण का नाम है उन्हीं के पास विजय है। क्योंकि आज जो 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 मूर्ख हैं, भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो मेरे बारे में सही को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मैं अपने आप को योग माया के द्वारा ढक लेता हूँ। तो दुर्योधन को भी समझ में नहीं आया।